एक बापू बलकौर सिंह ने जिहड़े साडे कोल बैठे ने, एक सरदार बलकौर सिंह है जिहड़ा मानसा नेड़े मूसे पिंड दे विच अपने पुत्तर दे इंसाफ वास्ते तरस रहा, तड़फ रहा, इंसाफ नहीं मिल रहा, तो वह माँ बाप उत्थे विलक रहे ने। इस बापू बलकौर सिंह दे उस सरदार बलकौर सिंह वास्ते किस तरह के विचार ने? देखो ना, मैं इन्हां दे जदों पहली बारी गया उन्हें मेरा नाम सुनिया सी ते उठ के वह मेरे गल ला के मिलया, तो वह मन भी भर गया, मेरा भी मन भरया। मैं मूसेवाले नूं जद तक जिउंदा रहा बेचारे नूं मैं कदे सुनिया नहीं सी, पर जदों वो घटना वापरी तो उस तो बाद मैं कुछ उन्हें सुनिया। मैं यार मुंडा गायक सीगा, यही कोई खास गल नहीं, सोहना सुनखा सी, कोई शक नहीं, फोक लोड़ दा वो गायक सीगा, कुछ उन्हें फोक लोड़ की कविता करनी आउंदी सीगी, संगीत का भी माहर सी, उहदे फॉलोअर भी बहुत सीगे। वह एक पंजाब का इको एक बंदा है पंजाब का जिहड़ा सब तो वध इंडिविजुअल इनकम टैक्स भरदा है। कोई भी सारे पंजाब वड्डे वड्डे कारखानेदार भी अपना इन्ना टैक्स नहीं भरते जिन्ना वो अपना इनकम टैक्स भरता है। साध मरादा पिंड च रहिंदा सी, कोठी वड्डी पा बैठा, जदों कोठी वेखी मैं कहो थोड़ा पता हो जाए काके तू पिंड च कोठी पाई। पिंड दे विच जिहड़ी शरीकेबाजी हुंदी आ ना वीर, ये बड़ी माड़ी है। पिंड दे विच मैं खुद जट्टां दा धी पुत्त हां, मेरे जन्ना कट्टड़ जट नहीं कोई हो सकता। हरेक जट डरदा अपने आप नूं लुको सकदा, मैं ही नहीं लुकाउंदा, मैं तो जा रहा दूरों पता लग जू भी हो जांदा है। मैं जदों उत्थे गया मैं यार इन्हां लोकां दे विचों तेरा भरा कोठी पाली शरीके इहे जिहे हुंदे आ, वो जरदे नहीं हुंदे। कोई किसम दा नंग उत्थे बहाता, कोई कितों दा नंग उत्थे बहाता, बेचारा उत्थे गया जवार के रोड दे उत्ते, उत्थे गोलियां मरवातियां है जिहड़े बच्चे ने जिहनूं आपां गैंगस्टर कहिंदे, उहनां नूं सरकारां नहीं खरीदिया हुंदा, सरकारां नहीं पालिया हुंदा, अपने इलाके च मोगे तो परे होए आ जिहड़े मुंडे पढ़ नहीं जांदे पटियाले जां चंडीगढ़ जांदे ने, उह ना फुकरपंथी च पै जांदे आ ते उह बेचारे गैंगस्टरां विच बदल लैंदे आ, कुछ सियासी बंदे उहनां नूं बदल लैंदे आ, अणभूल माँ बाप दे धी पुत्तां नूं गुमराह करके ते क्राइम च पाता, वह क्राइम का शिकार बेचारा ये हो गया है, होया बहुत माड़ी गल। अक्सर ये बहुत बड़ी शख्सियत सी, फोक लोड़ की शख्सियत सी, पंजाब के हितों की भी गल करता सी। हालांकि जब तक कोई जिउंदा रहा मैनूं महसूस होया भी ओहो जब तक जिउंदा रहा एक बार मुलाकात हो जाती, क्योंकि मैं उन्होंने ना फोक लोड़ का जिहड़ा फ्यूडल पक्ष है ना मैं उन्होंने वो कढ देना सी, मैं पता फ्यूडल पक्ष जो फोकल, क्योंकि हम फोकलर सरमाएदारी निजाम च पैदा नहीं होगा, फ्यूडल युग तक ही पैदा होगा। मैं उन्होंने वो कढ देना सी भी काके इधरले पासे जट की मुछ तो बहर आ जा, चिट्टे कपड़े किवें पाए आ, क्योंकि कद बड़ा 6 फुट तो उच्चा, एक शान बड़ी उच्ची होगी, लोग उन्होंने बड़ा मानते सी। पंजाब च कोई ऐसा जिहा बंदा नहीं हाण दा जिन्ने ओहदे फॉलोअर सी। नहीं सुनने दे विच कुछ इस तरह आ रहा है भी वर्ग लाउणा जिवें जिहड़ियां कंपनियां ने जिहड़ा एड्डा वड्डा मीडिया, तुसीं आप ही कह रहे हो ना जिस तरह उन्होंने इनकम टैक्स की गल कर रहे हैं, आ कित्थों रहा वह सारा टैक्स संगीत दे विचों, तां इस दे मतलब कि बहुत वड्डियां जिहड़ियां ताकतां ने वह पिछे खड़ियां होईयां सन। नहीं ताकतां नालों ना वो ताकतां ने उहदा इन्ना नुकसान नहीं कीता जिन्ना अपनी फुकरगर्दी नहीं करता। मैं जो सोचता भी साढ़ा पंजाब की फुकरगर्दी कर गई, कोई निके सधारण बंदे एवं गैंगस्टर बना ले, उन्होंने पता ही कोई नहीं भी सानू कौन वरत रहा है, आए तो सीगे पढ़न पढ़ाई छड बैठे, बीए पास नहीं हुई तो मुछा नूं हथ देण लग गए। अक्सर क्योंकि मैं चंडीगढ़ पढ़ता रहा मैनूं पता भी साढ़े इलाके के मुंडे जो पढ़न जाते हैं साढ़े तो माँ बाप नूं यह नहीं पता होंदा भी साडा पुत्त की करदा ना। मैं तैनूं हासी की गल दसदा, जे कोई साढ़े माँ साढ़े इलाके च कोई किसी की माँ नूं पुछे पुत्त अम्मा थोड़ा मुंडा की करदा, पुत्त तां बीआ करदा है, बीए नूं बीआ, फिर साल दो साल अम्मा हुण थोड़ा मुंडा की करदा, पुत्त वो एमा करदा, एमए नहीं एमा, फिर दो तीन साल कर बेबे मुंडा की करदा है, बाकू जी मेरा पुत्त तो LLB आ करदा, LLB आ कर गया, LLB नहीं कहदियां, फिर पुछ पैंदे आ भी अम्मा पुत्त की करदा, अभी मेरा पुत्त जजी का कोर्स करदा, वेलण बैठे होंदे इत्थे माँ झूठ मारी जाते हैं, मुंडे जजी का कोर्स करी जाते हैं, पता ही नहीं होंगे यह जे बच्चों तो बरगड़ा के एक क्राइम पै गया, यह भी बड़ी माड़ी गल है। पंजाब की जवानी में किसी गंदे पासे तकना नैगेटिव पासे तकना वह भी साड़िया राजकर्ता श्रेणियों वास्ते शोभा नहीं दिंदी। हाँ लोग ज्यौंदे जी चर्चा च रहने वास्ते जोर ला आते हैं, वह मर के भी चर्चा बहुत तरस
ਉਹਦੀ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਚਰਚਾ ਐਂ ਵੀ ਹੋਊਗੀ। ਹਾਂ ਨੋ ਡਾਊਟ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅੱਖਾਂ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਿਓ ਦੀਆਂ ਵੀ, ਅਤੇ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਿਹੜਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਨਸਾਫ ਤਾਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨਾਲ ਬਾਪੂ ਬਲਕੌਰ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਰੂਬਰੂ ਕੀਤਾ।